छोटा सा है। कुत्ते जो है ना लाइट को देख के हर तरफ से भौंक रहे हैं। कीर वसी है काई ना अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, क्या हाल है? अच्छा यार मुझे 4 अंडे दे दो और 20 रुपए का मैदा और एक खुश्क दूध का छोटा पैकेट दे दो। हाँ ये ठीक है। शुक्रिया। सामान मैंने ले लिया है, एक मिनट आपको दिखा दूं। और मैं निकल चुका हूँ गांव से। ये गांव की चल लाइटें आपको नजर आ रही होंगी। और अच्छा यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे पक्की सड़क ख़त्म हो जाती है। इधर भी आप देख सकते हैं, और इधर से मैं आया हूँ जहाँ से ये कुत्ता जो है भौंक रहा है। और यहाँ से मुझे जाना है, मुझे लगता है कुत्ता मुझे तंग करेगा। कुत्ते जो है ना लाइट को देख के हर तरफ से भौंक रहे हैं। तकरीबन आधा सफर तय कर चुका हूँ मैं। ये कुत्ते हैं ये मुझे लगता है तंग करेंगे, बाकी जो है कोई इशू नहीं। देखिए छोटा सा है लेकिन इसकी हिम्मत देखो। ये देखो अभी भी ऐसी चक्कर में है कि जैसे ये आगे जाए तो पीछे से मैं झपटूं। आज का हमारा चैलेंज जो था वो बेसिकली है उस पे कुकिंग पे, कि कुछ बना के खिलाना है उनको। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा वीडियो को मतलब लेंथ ही नहीं किया, ये शॉर्ट जो है ऐड नहीं किए, दरमियान में कैमरा ऑफ कर दिया था। अभी मैं तकरीबन पहुंच चुका हूं। बस थोड़ा सा सफ़र बाकी है। और बताता चलूँ आपको कि बिलाल और अली भाई पहले ही पहुंच चुके हैं, वो बाइक पे आ गए थे। मैं भी अभी पहुंच गया हूँ। ये गेट हमारा आज खुला पड़ा है, तो मैं इसको ज़रा बंद कर दूँ ताकि कोई जानवर वगैरह। ये ये देखें जी, ये लोग तो बिस्तर में हैं। अच्छा ये लाइट को ऊपर लगा दो। ये ले बना के उतार दे, आपको बना देता हूँ अभी। बस ये मुझे ज़रा जी आपको दोबारा बताता चलूँ कि लास्ट वीडियो में मैं चैलेंज हार चुका हूँ
और चैलेंज हारने के बाद हमारे रूल्स में ये था कि जो चैलेंज बंदा पूरा नहीं कर सकेगा 20 मिनट में तो वो कोई चीज़ बना के खिलाएगा। तो आज की वीडियो में मैं ये चीज़ें आपको रास्ते में भी दिखा चुका हूँ, लेके आ चुका हूँ, तो ये हम बनाएंगे। सबसे पहले दिखा दें ज़रा ये क्या क्या चीज़ है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया है, उसके बाद ये मैदा है, 20 रुपए का हमने लिया है, मुझे अभी क्वांटिटी का पता नहीं कितना है। तो ये तीन है सब्ज़ मिर्चें, उसके बाद ये ज़ीरा है थोड़ा सा, इसके बाद जो है ये है दूध है, खुश्क दूध कोई भी आप ले सकते हैं, और चार अंडे हैं। पेस्ट बन जाएगा, मतलब एक तो आटा गूंथ के पराठा बनाते हैं उस तरह का नहीं है, इसमें इसका पेस्ट बना के हम फ्राई पैन के अंदर जो है इसको बनाएंगे। आप साथ वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बड़ा ही मज़ेदार बनता है। पहले मैंने बना के खिलाया था इनको, तो आज भी मैंने यही सोचा कि अच्छी चीज़ है और इजी बन जाती है, तो आज इनको यही बना के खिलाता हूँ चैलेंज हारने पर।
बची है काई ना चिक्का मार का चबूड़ा।